हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल मेरा डिजिटल कोच में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। हम जो है कि आपके लिए इस वीडियो में इस चैनल पे जो है कि जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो चले जो है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाटा कंपनी जो है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बहुत बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये टाटा कंपनी जो है कि किसने शुरू की थी हिंदुस्तान में और इसके मालिक कौन है। जी हाँ दोस्तों, और कितने रुपये में शुरू की थी, कितनी लागत लगी थी, कौन सा कारखाना सबसे पहले जो है कि इन्होंने शुरू किया था और किस जगह पर शुरू किया था, हिंदुस्तान में कौन सी जगह थी। तो चलिए जो है कि दोस्तों जानते हैं आज हम जो है कि टाटा कंपनी के बारे में कुछ जानकारियाँ। जी हाँ, तो टाटा कंपनी के मालिक जमशेद जी टाटा। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी के मालिक जो थे वो जमशेद जी टाटा थे, जिन्होंने टाटा कंपनी की शुरुआत की थी। इन्होंने जमशेदपुर में, हिंदुस्तान का जो इलाका है एक जमशेदपुर में, एक सबसे पहले जो कारखाना शुरू किया था वो स्टील का कारखाना था। जी हाँ दोस्तों, स्टील का कारखाना शुरू किया। इसकी लगभग जो है कि जो लागत हुई थी, जो लागत आई थी, इसको जो खर्चा आया था, इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो लगभग जो है कि 19,000 रुपये था। जी हाँ दोस्तों, उस ज़माने में ये 19,000 रुपया बहुत हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये 19,000 रुपये की जो है कि उसकी लागत आई थी उस वक्त में। जी हाँ, जो आज के जो है कि आज जो है कि वो कारखाना, आज वो फैक्ट्री स्टील की करोड़ों रुपए की हो गई है, करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन हो गई है, अरबों रुपए की जो है कि वैल्यूएशन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको जो कि इस वीडियो में बता दिया हूँ कि टाटा कंपनी के मालिक जो है कि जमशेद जी टाटा है, इन्होंने जमशेदपुर में सबसे पहली फैक्ट्री चालू की थी स्टील की, जो 19,000 रुपये से शुरू की थी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी टाटा कंपनी के बारे में। अगर दोस्तों आपको जो है कि पसंद आया वीडियो तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमसे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें हमें। धन्यवाद आप सबका।